हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सैमुअल रिचार्डसन की। एक तरह से इनको फर्स्ट इंग्लिश का फर्स्ट नॉवलिस्ट भी माना जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं ये सैमुअल रिचार्डसन। इनका बर्थ हुआ था 1689 में और डेथ हुई थी 1761 में। वाज एन इंग्लिश राइटर एंड प्रिंटर नोन फॉर थ्री एपिस्टलरी नॉवल पैमेला द वर्च्यू रिवार्डेड, जो 1740 में आया। इसको एक तरह से फर्स्ट इंग्लिश नॉवल भी माना जाता है पैमेला को। क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडी 1748 में, पैमेला के 8 साल बाद। एंड द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन, जो 1753 में आया था। तो ये इनकी तीन नॉवल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और एपिस्टलरी नॉवल क्या होता है? जो लेटर फॉर्म में होता है, मतलब हम किसी को एड्रेस करके लेटर लिख रहे हैं, या जो स्टोरी होती है वो लेटर्स के थ्रू आगे बढ़ती जाती है कि उसने फिर उसको ये लिखा, फिर ये रिप्लाई आया। तो जो लेटर फॉर्म में वर्क होता है उसको एपिस्टलरी बोलते हैं। और सैमुअल रिचर्डसन थे, वो इससे पहले क्या थे, प्रिंटर का प्रिंटिंग का काम करते थे। ही प्रिंटेड ऑलमोस्ट 500 वर्क्स, इंक्लूडिंग जर्नल एंड मैगजीन्स, वर्किंग पीरियोडिकली विद द लंदन बुक सेलर एंड्रयू मिलर। तो एक तरह से जो प्रिंटिंग प्रेस थी वहाँ पे ये काम करते थे। बहुत सारे वर्क इन्होंने प्रिंट किए हैं। 51 ईयर की एज में उन्होंने ये पैमेला लिखा था। रिचर्डसन हैड बीन अप्रेंटाइज्ड टू अ प्रिंटर हुज डॉटर ही इवेंचुअली मैरिड। तो जहाँ पे ये प्रिंटिंग का काम करते थे उनकी डॉटर के साथ इन्होंने मैरिज की, और 6 चिल्ड्रन हुए। फिर उनकी डेथ हो गई, फिर उन्होंने फिर से मैरिज की, फिर इनके 6 चिल्ड्रन हुए। पर सभी 4 डॉटर थी इनकी, जो अडल्टहुड तक, 6 पहले 6 बाद में, टोटल 12 हो गए। उस टाइम में बच्चों की डेथ हो जाती थी बहुत ज़्यादा, वो अडल्टहुड तक बहुत कम पहुँचते थे, इन्फेसी में ही उनकी डेथ हो जाती थी। सिर्फ 4 लड़कियाँ ही थी जो बड़ी हुई, लेकिन उनका कोई मेल एक तरह से हायर नहीं था जो उनकी प्रिंटिंग शॉप को आगे चला सके। तो फिर उन्होंने ये नोवेल राइटिंग शुरू किया। एज इट रन डाउन ही रोट हिज फर्स्ट नोवेल एट द एज ऑफ 51 एंड जॉइन द एडमायर्ड राइटर ऑफ हिज डेज। तो ये एक तरह से अच्छा ही हुआ कि उन्होंने नॉवल राइटिंग शुरू किया और आज वो इतने फेमस हो गए। लीडिंग एक्वेंटेनिसेस इंक्लूडिंग सैमुअल जॉनसन, सारा फील्डिंग, सारा फील्डिंग जो हेनरी फील्डिंग की सिस्टर है, द फिजिशियन एंड बहमेनिस्ट जॉर्ज साइने, एंड द थियोलॉजिशियन एंड विलियम राइटर लॉ हुज बुक्स ही प्रिंटेड। तो जो विलियम लॉ थी इनकी बुक्स को इन्होंने प्रिंट किया है। एट लॉज रिक्वेस्ट रिचर्डसन प्रिंटेड सम पोम्स बाय जॉन बायरम इन लिटरेचर। ही राइवल्ड हेनरी फील्डिंग, द टू रेस्पोंडेड टू ईच अदर्स लिटरेरी स्टाइल। सैमुअल रिचर्डसन फर्स्ट अटेम्प्ट एट राइटिंग फिक्शन बिगन एट द एज ऑफ 13। तो सबसे पहले उन्होंने राइटिंग कब शुरू की थी? 13 में। और उस टाइम क्या होता था कि 3 वुमन थी जो अपने लवर को लव लेटर लिखती थी। तो ये एक तरह से प्रिंटिंग का काम करते थे। तो ये उनके पास आती थी और अपने ये बोलती और ये उनको टाइप करते थे, लव लेटर टाइप करते थे। तो इसी के साथ उनका शायद हो सकता है कि जो पैमेला का इंस्पिरेशन है उनको वहाँ से मिला। तो ये जो अनपढ़ लेडीज थी उनके लव लेटर लिखते थे। दिस प्रैक्टिस आफ्टरवर्ड स्टूड हिम इन अ गुड स्टीड। ही वॉज ओवर 50 ईयर ओल्ड बिफोर ही प्रिंटेड अ नॉवल ऑफ हिज ओन कॉल्ड पैमेला द वर्च्यू रिवार्डेड। तो सब टाइटल क्या है इसका? पैमेला द वर्च्यू रिवार्डेड। 1714 में आया था। द बुक विच टेक्स द फॉर्म ऑफ ए सीरीज ऑफ लेटर्स डील्स विद द फॉर्चून ऑफ पैमेला, ए पुअर एंड वर्चुअस मेड हु रजिस्ट एंड देन फाइनली मैरिज एंड आफ्टरवर्ड रिफॉर्म हर विक्ड मास्टर। तो इसकी समरी हम डिटेल में आगे करेंगे। इसमें पैमेला होती है, मेड होती है वो, और इसका जो मालिक होता है, मास्टर होता है, उससे इसकी मैरिज हो जाती है। वो काफ़ी वीक होता है पहले, तो वीक्ड होता है, बाद में रिफॉर्म हो जाता है, अच्छा बन जाता है। द वर्क वॉज इंस्टेंटली सक्सेसफुल, एग्जॉस्टिंग 4 एडिशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ इट्स इश्यू। द कैरेक्टर्स स्पेशली द चीफ फीमेल कैरेक्टर स्लोली बट एक्यूरेटली फैब्रिकेटेड ड्यूरिंग द ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ सिंपल प्लॉट वर न्यू टू द रीडर्स ऑफ द टाइम एंड मार्क अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवल। रिचर्डसन्स नेक्स्ट नॉवल विच वॉज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। तो पैमेला के बाद इनका नॉवल था क्लैरिसा, और उसकी प्रोटैगनिस्ट थी क्लैरिसा हार्लो। दिस ट्रीट्स ऑफ द पैरी परफेडी ऑफ मैन एंड इलुस्ट्रेटेड इन ट्रेजेडी ऑफ द हीरोइन हु इज परस्टिक्यूटेड बाई द विलेनियस लवलेस। तो इसमें ये उनका एक कैरेक्टराइजेशन, एज ए कैरेक्टराइजेशन अगर हम बात करें तो क्लैरिसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें कैरेक्टर्स को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ड्रॉन किया है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है, बहुत अच्छा नॉवल माना जाता है ये क्लैरिसा भी। पामेला तो बहुत फेमस है ही, क्लैरिसा भी अच्छा है। इसकी स्टोरी करते हैं हम, समरी करते हैं। तो क्लैरिसा हार्लो होती है, उसकी जो फैमिली होती है वो अभी अभी रिच हुई है,
वो चाहते हैं कि उनका जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ जाए, एरिस्टोक्रेसी के साथ उनके लिंक हो। तो वो क्लैरिसा की जो मैरिज है वो एक रिच बट हार्टलेस मैन के साथ कर देते हैं। मतलब तो पैसे तो बहुत होते हैं बट उसमें कोई हार्ट नहीं होता, अच्छा इंसान नहीं होता है। और ये क्लैरिसा उसको पसंद भी नहीं करती है। और सबसे अच्छी अजीब बात ये है कि वो जो इसका हस्बैंड है वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है कि ये एक वर्चुअस लेडी है, बहुत अच्छी लेडी है, उसको कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, वो ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं करता है। तो इसी से डेस्परेट होकर वो भागना चाहती है। तो उसको एक लड़का मिलता है, यंग जेंटलमैन लवलेस, तो ये लवलेस के साथ भाग जाती है। जो ये लवलेस होता है ये इसको सिड्यूस करना चाहता है, या इसके साथ एक फॉल्स मैरिज करना चाहता है। लेकिन जो क्लैरिसा होती है वो तो बहुत वर्चुअस लेडी होती है, वो मतलब अपनी फ्रीडम और अपनी पीस के लिए भागी है। वो ऐसा नहीं कि किसी के और के साथ भाग जाए, उसके साथ मैरिज कर ले या फिजिकल रिलेशन बना ले उसके साथ। ये तो बस जो इसका हस्बैंड है वो उसको पसंद नहीं था, वो उसके वैल्यू नहीं करता था, तो ये अपनी मेंटल पीस के लिए वहाँ से भागी थी। बट ये लड़की बहुत अच्छी होती है, ये लवलेस है, ये बहुत ट्राई करता है इसको फॉल्स मैरिज के लिए, बट ये एक्सेप्ट नहीं करती है। और इसको विश्वास भी नहीं होता है कि कोई लेडी इतनी वर्चुअस कैसे हो सकती है। मतलब ये कभी इसकी तो लिस्ट में कई लड़कियां थी जिनको ये फॉल्स मैरिज में फंसा चुका था, या जिनके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में था ये। तो इसको नहीं लगता है, इसको ये विश्वास ही नहीं था कि कोई लेडी इतनी वर्चुअस हो सकती है। तो बहुत डेस्परेट हो गया उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए। तो फाइनली ही रेप्स हर। क्लैरिसा मैनेज टू एस्केप फ्रॉम हिम बट रिमेन्स डेंजरसली इल। वेन शी डाइड डाइज हाउ एवर इट इज इन द फुल कॉन्शियसनेस ऑफ हर ओन वर्च्यू एंड ट्रस्टिंग ए बेटर लाइफ आफ्टर डेथ। द लवलेस टॉर्मेंटेड बाई वट ही हैज डन। तो ये लवलेस को भी तो बाद में थोड़ा सा एक तरह से मेंटल टॉर्चर अपना होता है कि उसने बहुत गलत किया, बट वो इसको चेंज नहीं कर सकता। और जो क्लैरिसा का कजन होता है उसके साथ इसका ड्यूल होती है, लड़ाई होती है, उसमें डेथ हो जाती है। क्लैरिसाज रिलेटिव फाइनली रियलाइज द मिजरी दे हैव कॉज्ड एंड अ डिस्कवरी दैट कम्स टू लेट फॉर क्लैरिसा। और उनके बाद इनका थर्ड नावला, ये भी एपिस्टलरी फोरम में ही है, सर चार्ल्स ग्रैंडिसन, जो 1753 या 54 में आया था। तो नेक्स्ट हम करेंगे जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, जो फर्स्ट इंग्लिश नॉवल माना जाता है, एपिस्टलरी फॉर्म में है, लेटर फॉर्म में है, पैमेला की समरी। द नॉवल पैमेला कैम इन फुल फ्लैश फॉर्म इन द 18th सेंचुरी 1740 विद सैमुअल रिचर्डसन। रिचर्डसन वॉज आस्क्ड टू प्रिपेयर ए सीरीज ऑफ मॉडल लेटर्स फॉर दोज हु कुड नॉट राइट फॉर देमसेल्व। तो ये एक तरह से बहुत लेटर लिखते थे 50 से पहले, एज ऑफ 50 से पहले, जो लोग नहीं पढ़ सकते थे या लेटर उनको पढ़ के सुनाते थे उनका प्रिंट करते थे। दिस हम्बल टास्क टॉट रिचर्डसन दैट ही हैड एट हिज फिंगर टिप्स द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ इन लेटर्स। तो सबकी एक तरह से इमोशंस इन्होंने देखे थे, तो इनके ये फिंगर टिप पे ही हो गया था कि अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू द लेटर्स। इन द ईयर्स दैट फॉलोड ही पब्लिश्ड 3 लॉन्ग वर्क ऑन विच हिज रेपुटेशन रेस्ट, क्लैरिसा, पामेला और सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। तो ये सारी लेटर फॉर्म में ही है तीनों के तीनों। तो पैमेला की स्टोरी हम करते हैं। पैमेला में क्या होता है कि पैमेला एक लड़की होती है, वो मिसेस बी एक लेडी होती है, उनके वहाँ पे सर्वेंट होती है, मेड होती है। लेकिन मिसेस बी की डेथ हो जाती है, उनका बेटा होता है मिस्टर बी। तो इसको ये लगता है कि अब जो मदर है उसकी डेथ हो गई है तो हमें नहीं रखेंगे, निकाल देंगे। बट इसकी जो फैमिली होती है काफ़ी गरीब होती है, उनको पैसे की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो वो सोचते हैं कि रख ले तो अच्छा है। और पैमेला भी चाहती है कि मैं इसी घर में रहूं और ये जो मेड या सर्वेंट का जॉब है यही करती रहूं। जो मिस्टर भी होते हैं वो जो भी उनकी मदर ने जो सर्वेंट जो मेड रखे थे उनको वो नहीं निकालता है, वो कंटिन्यू करता है कि ठीक है आप लोगों की जो भी जॉब है वो कंटिन्यू रहेगी। तो वो जब इसको देखते हैं पैमेला को, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसको सिड्यूस करना चाहते हैं। लेकिन जो पैमेला होती है वो भी एक वर्चुअस लेडी होती है, जो रिलीजन में उसको सिखाया गया है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करती है पैमेला। तो मिस्टर भी बार बार ट्राई करते हैं, इसके पास आते हैं और इसको एक तरह से फोर्स करते हैं रिलेशनशिप के लिए, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए। बट ये एक तरह से फेंट हो जाती है, मतलब फेंट होने की एक्टिंग करती है, फिर वो चले जाते हैं। बार बार वो कई बार उन्होंने इस तरह से अटेम्प्ट किया और इसने फेंट होने का ड्रामा किया और बेहोश हो जाती थी ये। तो बाद में ये जो अपनी तकलीफ़ या अपनी प्रॉब्लम है ये लेटर्स के थ्रू लिखती है, और एक फ्रेंड होते हैं उनको ये बोलती है कि लेटर्स तुम मेरे पेरेंट्स को डिलीवर कर दो कि मेरी क्या कंडीशन है, मैं यहाँ पे कितनी परेशान हूँ, बहुत मेंटल टॉर्चर हो रहा है। और ये मिस्टर भी थे, ये इनको इसको बार बार टॉर्चर कर रहे थे क्योंकि ये अग्री नहीं कर रही थी, मान नहीं रही थी, इसीलिए। तो एक दिन लास्ट में क्या होता है, जब मिस्टर बी को ये पता चलता है, वो लेटर्स को देख लेते हैं और उनको पता चलता है कि पैमेला है वो एक्टिंग कर रही है एक्चुअली में उसे बचने के लिए। तो ये उसकी वर्चू से काफ़ी इंस्पायर होते हैं, बहुत इम्प्रेस होते हैं,
और एक तरह से अपने आप को रिफॉर्म कर लेते हैं, मतलब एक बुरे आदमी से अच्छे आदमी में चेंज कर लेते हैं, इनका रिफॉर्म हो जाता है और ये इसको प्रपोज करते हैं पैमेला को शादी के लिए, और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। बाद में जो इसका दूसरा वॉल्यूम आता है उसमें ये दिखाते हैं कि कैसे पैमेला एक हाई क्लास में अपने आप को एडजस्ट कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, पैमेला 1714 में आया था और फर्स्ट इंग्लिश नॉवल माना जाता है। तो रिचर्डसन के जो 3 नॉवल है वो कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।